बाहुबलियों की सीरीज में आज कहानी उस बाहुबली की, जिसके नाम से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग थर थर कांपते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला की। यूपी का सबसे खतरनाक और बेरहम डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला 90 के दशक का वो अपराधी था जिससे पूरे यूपी और बिहार के लोग थर थर कांपते थे। उसके पेशे के बीच आने वाला किसी भी शख्स को मार डालने में थोड़ा सा भी देरी नहीं करता था। पुलिस के लिए चुनौती बना यह डॉन 25 साल की उम्र में ही बड़े से बड़े उद्योगपति, अपराधियों व पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उसके वारदातों से अखबार के पन्ने हर रोज रंगते थे। उद्योगपतियों से उगाही, हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा था। आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से उसने बंदूक के बल पर रेलवे की ठेकेदारी जो है वो बदल दी थी। श्रीप्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर जिले के मामखोड़ गांव में हुआ था। जानकार बताते हैं कि 1993 में श्रीप्रकाश शुक्ला ने बहन से छेड़खानी करने वाले शख्स को बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीप्रकाश शुक्ला ने 20 साल की उम्र में यह पहला अपराध किया था, जिसके बाद वह बैंकॉक भाग गया था। बैंकॉक से लौटने के बाद मोकामा के कह सकते हैं कि बाहुबली गुंडे सूरजभान सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला बिहार यूपी का सबसे खतरनाक और बेरहम अपराधी बन गया। राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। उधर पुलिस पर माफिया पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने जब एंट्री मारी तो उसे मोकामा बिहार के माफिया सूरजभान सिंह दादा का शरण मिला था। श्रीप्रकाश शुक्ला और माफिया सूरजभान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। वह दौर रेलवे के अफसरों के लिए चुनौती बन गया था। माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए और खुद को रेलवे के ठेकेदारी से दूर कर लिया। उस वक्त रेलवे का टेंडर लेना मतलब मौत के दावत देना था। बंदूक के नोक पर वो ठेकेदारी के नाम अपने नाम करवाता था। हालांकि माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला इनकाउंटर के बाद भी यह सिलसिला काफ़ी समय तक जारी रहा। डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला के आतंक का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को उसने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रताप को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल सनसनी फैल गया था। मंत्री की हत्या मामले में अभी ठंडा नहीं हुआ था कि बिहार पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसमें यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। दरअसल माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। यह खबर यूपी पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला के मंसूबों की भनक लगते ही उन्होंने एसटीएफ का गठन करके निर्देश दिया था कि वह दुर्दांत अपराधियों से देश को मुक्त कराए। और 4 मई 1998 को यूपी पुलिस ने तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने पुलिस की बेहतरीन 50 जवान को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे एसटीएफ कहा गया, वो बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क श्रीप्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। 27 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिली कि श्रीप्रकाश शुक्ला की गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एनक्लेव पार किया, एसटीएफ की टीम ने पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त डॉन को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे एसटीएफ है। जैसे ही उसकी कार सुमसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ की टीम अचानक उसकी कार को ओवरटेक करते और रास्ते को रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना और फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। तो ये कहानी है श्रीप्रकाश शुक्ला की, जिसके नाम से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग थरथर कांपते थे।
जब उत्तर प्रदेश में क्राइम किया तो वो बिहार भागा, जहां सूरजवान सिंह जैसे बाहुबलियों के शरण में रहा और इतना बड़ा नाम बन गया। यहां तक कि टेंडर, रेलवे के टेंडर में जहां सूर्यप्रकाश शुक्ला खड़ा होता था उसके सामने कोई नज़र नहीं आता था। अंत में एसटीएफ ने उसे एक मुठभेड़ कह सकते हैं पुलिस के साथ हुई और उसमें एनकाउंटर में सूर्यप्रकाश शुक्ला मारा गया।